हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और ये देखिए, मदुरई गए थे जब हम, रामेश्वरम गए थे, तो हमने ज़्यादातर कपड़ा हमने मदुरई से लिया था। शर्ट शर्ट वगैरह और कुर्ते वगैरह का कपड़ा बहुत अच्छा था वहाँ से लिया था। और हमने ली थी साड़ियाँ, तो जो साड़ियाँ ली थी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साड़ियाँ हमने सब जनों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए ली थी, तो किस तरीके की साड़ियाँ ली थी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये शिवांगी के लिए थी, ये दी थी प्रिया की सास ने उसके लिए, मदुरई से इसे एक साड़ी दिलवाई थी, तो ये वाली साड़ी उनके लिए थी शिवांगी के लिए। और ये देखिए, ये इस तरह से बनारसी में है ये, और ये गोल्डन कपड़ा ही है, गोल्डन कलर है इसका और मोरकंठी रंग है इसमें। तो इसका कलर देखिए सेम ही आ रहा है, क्योंकि मोबाइल में ना थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये कलर सेम ही आ रहा है। इस साड़ी को शिवांगी को बहुत पसंद आई थी, तो फिर दिलवा दिया था उन्होंने, एक साड़ी उन्होंने इसे गिफ्ट की है। ये देखिए ऐसी लग रही है ये। और अब दिखाते हैं दूसरी साड़ी, तो दूसरी साड़ी जो है वो भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमने ना साड़ियाँ उठा कर रख दी थी, सोचा था कि अभी नहीं, रुक कर तैयार कराएंगे। कुछ साड़ियों के शिवांगी ने ब्लाउज भी सिल लिए हैं जो हमें अभी पहननी है, और कुछ ऐसी हैं जो जिनके ब्लाउज नहीं सिले हैं। ये शिवांगी को बहुत पसंद आई थी, तो ये शिवांगी ने अपने लिए इसका ब्लाउज सिल लिया है। ये प्रिंटेड साड़ी है जॉर्जेट की, तो ये भी हमने वहीं से ली थी। और ये साड़ियाँ वहाँ पर काफ़ी सस्ती मिलती हैं, अपने यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी सस्ती हैं। ये देखिए, इसका भी रंग जैसा है वैसे ही दिखाई दे रहा है, और ये भी बहुत प्यारी है, जयपुरी प्रिंट था इसका। मैंने ना साड़ियाँ तो लाई थी, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को, इसलिए मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये थोड़ा सा कलर इसमें चेंज आ रहा है, मोबाइल में कलर चेंज हो जाते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए, ये है रामा ग्रीन, लेकिन ये फिरोजी आ रही है, पता नहीं क्यों मोबाइल पर कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये रामा ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है इस साड़ी का। ये ऑर्गेंजा में है साड़ी, और ये देखिए, ये शिवांगी के लिए ये है। साड़ी जो है देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है, पहनने पर तो शायद और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वहाँ पर ना कंट्रोल नहीं हुआ देखकर, साड़ी और उनका प्राइस देखकर ऐसा जी करा के चलिए और साड़ी ले लें, तो इसलिए हमने कई कई साड़ियाँ ले ली थी। हम लोग ना अपने पैसे जोड़ कर ले गए थे, तो हमें समस्या नहीं थी, हमने सोचा था कि हम सब कह रहे थे मदुरई से साड़ी लाना और रामेश्वरम से लेना, तो फिर हमने ली थी। और ये देखिए, मीशो पे जो कपड़ा आप लोग देखते हैं ना, ये सारा कपड़ा वहाँ पर मिल रहा था दुकानों पर, वो भी मीशो से बहुत सस्ता, सेम वही कपड़ा। और आप लोगों ने देखा होगा जो बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी होती है ना, वहाँ पर वो लोग रोज़ाना में पहनते हैं साउथ में बॉर्डर वाली साड़ियाँ, प्रिंटेड की जगह बॉर्डर वाली पहनते हैं वो लोग, और बहुत ही ज़्यादा पहनते हैं। जो साड़ियाँ हम कभी कभी के लिए मंगाते हैं वहाँ पर रोज़ाना में पहनी जाती है, वहाँ पर कोई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सब जो है बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहनते हैं। तो ये नेट की साड़ी है, देखिए इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है नेट में, ये भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए पेटीकोट के साथ है, इसका पूरा मैच है, साड़ी भी है ब्लाउज भी है। और ये देखिए, आजकल तो साड़ियों के साथ ना ब्लाउज भी सिले हुए मिल रहे हैं वहाँ पर दुकानों पर, साड़ी जैसी थी उसी तरह का ब्लाउज था, और ब्लाउज का जो साइज़ था ना वो बिल्कुल फ्री साइज़ था, उसे आप अपनी फिटिंग से करा सकते हैं। साइड में ना ब्लाउज की साइड में सिलाई नहीं थी, बहुत हल्की सी एक सिलाई थी, और वो लोग कह रहे थे जितनी आपको फिटिंग चाहिए सिलाई आप लगवा लीजिए। तो इसकी भी कढ़ाई बहुत अच्छी थी, और ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये देखिए, ये वहाँ पर ना इस तरह की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसी ये है, ये भी ये शिवांगी की है, वो प्रिया को दूंगी, और ये शिवांगी के लिए है। तो इस साड़ी को भी ना देखिए, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छी लगी थी ये हम लोगों को। इसमें देखिए थोड़ा सा लाइट कलर आ रहा है, ये काफ़ी डार्क है। इस साड़ी को
अगर ये दो तीन रंगों में होती ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती। बनारसी भी थी और रंग थोड़े चटक रंग थे बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए मैंने कम ली थी वहाँ से। मैं दिखाऊंगी मैंने किस तरह की ली है अपने लिए। तो ये शिवांगी को दे दी है, और देखिए ये है एक साड़ी, ये हमने ली है शिवांगी की मम्मी के लिए। ये मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत ज़रूर दिखाई होंगी किसी ब्लॉग में अगर डाला होगा तो, लेकिन मैं फिर से साड़ी का ही ब्लॉग बना दे रही हूँ तो इसलिए दोबारा से दिखाई दे रही हूँ। इसका कपड़ा इतना प्यारा था, बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका, और इसका जो ये नीचे बॉर्डर है ना, ये ऐसा कटवर्क का सा बॉर्डर लगता है, बहुत ही प्यारा बॉर्डर दिया है ये। इस कपड़े से अलग बॉर्डर लग रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं चाह रही थी इसको फिरोजी और पीले में मिल जाए, लेकिन ये फिरोजी पीले में नहीं, लाल और पीले में थी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने नहीं ली थी। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने शिवांगी से कहा कि अपनी मम्मी के लिए ये वाली साड़ी ले लो। तो साड़ियों का तो यही है ना कि कितनी ही साड़ी ले लो कम होती हैं। और इस साड़ी का कलर देखो आप, ये वाली जो साड़ी है ये नेट की तरह ही कोई कपड़ा है, और मोटा कपड़ा है ये, थोड़ा सा नेट ही लग रहा है वैसे तो मुझे। तो ये ली है, ये प्रिया को बहुत पसंद आई थी तो फिर हमने ये साड़ी भी ले ली। और आप देखेंगे तो ये उस पर ना मीशो पे आप फोटो डाल के अगर खींच कर डालेंगे तो ये सब मीशो पर उपलब्ध हैं, आप लोग चाहेंगे तो मंगा सकते हैं। इस तरह से ना कटिंग वाली साड़ी बहुत चल रही है, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, लेकिन इनको ये वाला कलर ही पसंद आया था बच्चों को, तो फिर मैंने ये वाला कलर ही दिला दिया था। इसमें लाइट फिरोजी बहुत प्यारा था और पर्पल भी। और ये वाली जो साड़ी देख रहे हैं ये ली थी मैंने अपने लिए। ये देखिए इसमें आप लोगों को ना बहुत हल्का रंग आ रहा है, पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये साड़ी बहुत ही प्यारी है। देखिए ये जो आप प्लेन प्लेन देख रहे हैं ना, ये जो पहनते हैं ना जब साड़ी घूम से पहले वहाँ तक की प्लेन है, और उसके बाद देखिए इस तरह से है ये। इसमें इतनी ज़्यादा शाइनिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों शाइनिंग चमक नहीं रही है, दिखाई नहीं दे रही है मोबाइल में ना। तो ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, और इसमें नेवी ब्लू कलर और ग्रे कलर मिक्स है, ये बहुत ही प्यारा पीस है। बनारसी साड़ियाँ वहाँ पर काफ़ी सस्ती हैं, मीशो से भी बहुत ज़्यादा सस्ती, लेकिन वहाँ पर अगर महंगी है तो सिर्फ़ एक ही साड़ी है, चरखे पर बनाई हुई साड़ियाँ बिकती हैं वहाँ पर मीनाक्षी मंदिर के सामने, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, वो 1.5-2 हज़ार से नीचे नहीं होती हैं। और उन्हीं में से जो हाथ से बनी हुई साड़ी है ना, उन्हीं में से मैंने एक साड़ी ली थी, अभी आपको दिखाऊंगी, वो कॉटन की है। यादगार के लिए हम लोगों ने साड़ियाँ ली थी तो मैंने सोचा ये साड़ी ले लें, तो ये ली थी। देखिए बहुत ज़्यादा महंगी हैं ऐसी साड़ियाँ, जो हाथ की साड़ी बताते हैं वो हाथ की बुनी हुई, वो ज़्यादातर कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं मंदिर के सामने ही, मीनाक्षी मंदिर है ना उसके बाहर ही बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत होती हैं, ज़्यादातर सब महंगी होती हैं। तो हमने मंदिर से थोड़ा और आगे जाकर साड़ी ली थी, ये उस जगह से नहीं ली थी क्योंकि वहाँ पर हाथ वाली साड़ी ज़्यादा मिल रही थी। हमें लेना था बनारसी और प्रिंटेड जॉर्जेट वगैरह को, क्योंकि अपने यहाँ तो यही ज़्यादा चलती हैं। तो कैसी लग रही हैं मेरी साड़ियाँ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा चलो एक साड़ी ब्लॉग बनाते हैं, वैसे तो समय होता तो मैं आपको ये पहना कर ही दिखाती, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, वैसे भी नवरात्रि आ रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये इस तरह से ही दिखा दी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो या पहली बार देख रहे हैं। और इसी तरह की देखिए आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगी। ये देखिए ये सब साड़ियाँ मैंने निकाली थी, अब तैयार करानी है क्योंकि अब आ रहे हैं त्यौहार, फेस्टिव सीज़न आ गया है, उसमें पहनने के लिए सब साड़ियाँ चाहिए, तो हमने साड़ी सारी निकाल ली हैं और तैयार कराने के लिए इन्हें भेजना है। कुछ तैयार है कुछ तैयार नहीं है, अब इनको सही करवाना है, तो मैंने सोचा ना पहले से करा लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये इस तरह से है, और ये पूरी साड़ी में इसी तरह का लुक है जैसा पल्ले पर दिखाई दे रहा है, लेकिन खोलते समय पता नहीं मोबाइल में क्या हो जाता है तो दिखाई नहीं देती साड़ी, उतने अच्छे कलर नहीं दे पाती है। तो मिलते हैं, देखिए बहुत बड़ी वीडियो हो गई है आपसे अगली वीडियो में। सही रहिए, स्वस्थ रहिए, और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को प्रणाम।